अपने ही भीतर की यात्रा के लिए, स्वयं की पहचान के लिए। प्रस्तुत प्रवचन में ओशो ने आदतों को समझकर उनसे मुक्त होने का मार्ग बताया है। क्या जीवन भर की आदतों को सरलता से छोड़ा जा सकता है? आदत आदत ही है, स्वभाव नहीं। स्वभाव को नहीं छोड़ा जा सकता। आदत पकड़ी जाती है, छोड़ी जा सकती है, और आदत तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम ही आदत को पकड़ते हो। इसलिए और आदत तुम्हें नहीं पकड़ती, तुम ही आदत को पकड़ते हो। इसलिए जब चाहो तब छोड़ सकते हो। और ध्यान रहे, आदत सरलता से ही छोड़ी जा सकती। अगर आदत को कठिनाई से छोड़ा तो छूटेगी नहीं, पीछे के दरवाजे से वापस आ जाएगी। सिगरेट पीना छोड़ दोगे, हुक्का गुड़गुड़ाओगे। हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़ोगे, तमाकू फांकने लगोगे। तमाकू छोड़ दोगे, तो कुछ और उपद्रव करोगे। उपद्रव से बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि तुम आदत की जड़ में नहीं जाते। आदत को छोड़ने में ज्यादा उत्सुकता लेते हो, समझने में कम। समझ लो तो आदत को छोड़ना सरल है, मगर समझने की फुर्सत किसे? समझना कौन चाहता है? छोड़ने की फिक्र है। और यहां लोग हैं चारों तरफ समझाने वाले, बताने वाले, ये छोड़ो, ये बुरा है, वो बुरा है। तुम जो भी करो उसको छुड़ाने वाले लोग मिल जाएंगे। तुम्हारा जीना हराम कर देंगे अगर तुम सारे लोगों की बातें सुनो, तो जीना बिल्कुल हराम कर देंगे। मैंने सुना है, एक बाप और बेटा अपने गधे को बेचने बाजार की तरफ गए। रात थी, पूरे चांद की रात थी, दोनों पैदल चले जा रहे थे। कुछ लोग रास्ते पे मिले, उन्होंने कहा, अरे देखो ये गधे, देखो दो गधे गधे को लिए जा रहे हैं, तीनों गधे। बूढ़े ने पूछा, तुम्हारा मतलब? उन्होंने कहा, जब गधा साथ है तो पैदल क्यों चल रहे? इतनी भी अकल नहीं है? बात तो ठीक ही थी, ऐसा लगा दोनों को। सो दोनों गधे पे चढ़ गए। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा, ये गधे देखो, जान ले लेंगे बेचारे की। दो दो चढ़े बैठे एक गधे पे। अरे उतरो नालायको, शर्म भी नहीं खाते। उस गधे की हालत देख रहे हो, गिरा गिरा हुआ जा रहा है, मारना। सो घबरा के दोनों उतर गए। भी ठीक कहते हैं, ये भी ठीक कहते। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा कि जब गधा साथ है तो ये बूढ़े आदमी तो कम से कम बिठा दो। जवान बेटे को कहा कि बूढ़े को तो ना घसीटो, तू तो जवान है चल सकता है, मगर बूढ़े आदमी को तो गधे बिठा दे। ये बात भी जची। थोड़ी दूर आगे फिर कुछ लोग मिले, लोगों की कोई कमी है? तू ना भी मिलना चाहो तो क्या, लोग तो मिलेंगे, लोग ही लोग तो भरे हैं चारों तरफ। उन्होंने कहा, ये भी मजा देखो, बाप तो चढ़ा बैठा है और बेचारे बेटे को पैदल चला रहा है। अरे शर्म भी आनी चाहिए, बुजुर्ग होके इतनी अकल तो होनी चाहिए। बाप घबरा के नीचे उतर गया, बेटे को चढ़ा दिया। फिर कुछ लोग मिल गया, उन्होंने कहा, ये देखो मजा आ गया कलयुग, बेटा चढ़ा बैठा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है।
अरे हराम जादे, बूढ़े को पैदल घसीट रहा, खुद चढ़ा बैठा गधे पे, शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मर। घबरा के बेटा उतर गया। उन्होंने सोचा अब करना क्या है, मतलब सब जो किया जा सकता था कर चुके, अब तो एक ही उपाय बचा। उन दोनों ने सोचा कि अब हम दोनों गधे को ढोए, और तो कुछ बचा नहीं करने को, और तो सब गणित हो चुके। उन्होंने डंडे में गधे को बांधा, उल्टा लटकाया और गधा तड़फड़ाया, क्योंकि गधा जिंदा, कोई मरा गधा तो है नहीं, तुम उसको ऐसा उल्टा लटका के, और गधा फड़फड़ाया और चिल्लाया, मगर वो भी हिम्मतवर लोग थे। उन्होंने कहा कि अब कोई बुद्धू थोड़ी बनना है, इतने लोग मिले, जितने मिले सभी ने कुछ ना कुछ समझाया, ठीक ही बताया, अरे सब हितक्षु ही थे। और गधा फड़फड़ाया और रेंके, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ चलने लगी, हंसते हुए ये भी खूब मजा है। दुनिया में बहुत तरह के लोग देखे, मगर आदमियों को गधों पर सवार देखा, गधों को आदमी पर सवार देखा नहीं, ये पहली चमत्कार हो रहा है। मगर अब लड़के और बाप ने भी कहा कि अब कब तक ऐसी सुनते रहेंगे, अब तो कुछ बचे नहीं करने को, यही एक आखिरी काम था, सो करके दिखा दे। एक पुल पर से गुजर रहे थे, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई और लड़के शोरगुल मचाने लगे और हुवल्ला इतना मचा, और गधा ऐसा तड़फा और फड़का कि वो नदी में गिर गया, वो मर ही गया बेचारा। गए थे बेचने, खाली हाथ घर लौटा है। तुम अगर लोगों की सुनोगे तो हर तरह की सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आलू खाते हो कोई मिल जाएगा, आलू मत खाएं। क्यों भाई, आलू खाना पाप, आलू खाए कि नरक गए। जैन आलू नहीं खाते, या जो भ्रष्ट हो गए वो खाते हो तो बात अलग, उनको धर्म का कुछ पता नहीं। जो चीज जमीन के नीचे पैदा होती, जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, उसको खाने से तामस बढ़ेगा, बात तो बड़ी गजब की। अंधेरे में पैदा होगी, अंधेरा भरा होगा भीतर उसके, खाओ तामसी हो जाओगे। अब मारे गए, आलू चिप्स भी नहीं खा सकते, खाओ आलू चिप्स, सड़ोगे ना रखने, फिर एक चिप्स का बदला चुकाना पड़ेगा। ऐसे छील छील के चिप्पे निकाली जाएंगी और वहां कड़ाहों में चुड़ाए जाओ कि और खाओ बेटा आलू चिप्स। अरे जरा अरे जवान पे कुछ काबू करो, जिभ्या पे बस करो। जैन मुनि समझाते जिभ्या पे बस करो, क्या आलू में उलझे हो। और अभी अखबारों में खबरें आ रही कि जो आलू खाता है उसको पेट का कैंसर नहीं होता, अब बड़ी मुश्किल हो गई। आलू न खाया पेट का कैंसर हो जाए, मरोगे पेट के कैंसर, नरक वगैरह तो होगा या होगा, मगर पेट का कैंसर हो जाएगा अगर आलू नहीं खाया। अब जरा सोचना पड़ेगा करना क्या, नरक में मरना कि कैंसर में सड़ना, और नरक है कि नहीं पता नहीं, और होगा भी तो इतनी भीड़ होगी वहां कि तुमको जगह कहां मिलेगी, क्यू में खड़े रहोगे जन्मों तक। तो और भीतर भी प्रवेश पा लिया है तो भी कढ़ाए कितने होंगे, वो भी कभी के कम पड़ चुके होंगे। कितने आनंद लोग पैदा हो चुके और आलू खा चुके और नरक जा चुके, तुम्हारी क्या गणना होगी। उमर खय्याम ने कहा है कि इतने दिन बड़े पापी हो गए कि मुझ गरीब को वहां पूछेगा कौन। अरे ये कोई छोटे मोटे पाप गुनाह किए, हम गरीबों की कहां कदर होगी, हमें कौन पूछेगा। वहां नादिर शाह, तैमूर लंग, जंगीर खान, एक से एक पहुंचे हुए पुरुष बैठे, अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, वो लोग आगे खड़े होंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हें कौन पूछेगा। तुम घुमाते रहना अपना लंगोटी, में कोई पूछेगा। तुम खूब चिल्लाना जिंदाबाद इत्यादि, मगर कोई नहीं पूछेगा। तुमको डांट के लोग कह देंगे तुम चुप रहो बाहर बैठ,
भीतर ना आओ, यहां बड़े बड़ों की तो पहुंच नहीं है, तुम कहां गुस्से आ रहे हो? तुम कहो भाई मैंने आलू खाए थे, तुम भारो कुल जमा आलू खाए और बड़े पहुंचे हो गए, यही दादा इदी अमीन आदमी खा गए वो बैठे, इदी अमीन कहते हैं कि आदमी के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं, और जब इदी अमीन भागे युगांडा से तो उनके रेफ्रिजरेटर में छोटे बच्चों का मांस मिला, कई बच्चों का मांस फ्रीज किया हुआ रखा था। इदी अमीन कहते हैं कि आदमी के मांस से ज्यादा स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं, और जब इदी अमीन भागे युगांडा से तो उनके रेफ्रिजरेटर में छोटे बच्चों का मांस मिला, कई बच्चों का मांस फ्रीज किया हुआ रखा था। कहते हैं तो अनुभवी हैं वो, अब अनुभवियों से कौन झंझट मोल ले, कहते हैं तो ठीक ही कहते हों क्योंकि मैंने तो कभी चखा नहीं इसलिए अब कुछ कह भी नहीं सकते, वो कहते हैं कि इससे स्वादिष्ट कोई भोजन ही नहीं। युगांडा में बच्चे नदारत हो जाते थे जब तक इदी अमीन हुकूमत में रहे, और लोग सोचते थे कि कौन ले जाता है, शैतान चोर बदमाश है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपतियों की कुछ ना पूछो। क्या क्या आदमी पड़े हैं दुनिया में, अफ्रीका में अभी भी ऐसी जातियां हैं जो आदमी को खाती, और मानती हैं कि आदमी के मांस स्वादिष्ट कोई मांस नहीं होता। सच तो यह है कि दुनिया के अनेक बड़े होटल जहां आदमी का मांस चलता है बच्चे चोरी जाते, छोटे बच्चों का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये जो बच्चे चोरी चले जाते हैं ये कहां खो जाते, ये फाइव स्टार होटलों में खो जाते, और तुम्हें शायद पता भी ना हो कि तुम जो मांसाहार कर रहे हो वो किसका कर रहे हो। अब ऐसे पहुंचे हुए पुरुषों के सामने तुम अपना बटाटा बड़ा, हम बटाटा बड़ा खाते रहे तो खाते रहे खाते रहे, जाओ और खाओ 10-25 जन्म फिर आना, मगर लोग हैं कि किसी भी चीज के पीछे पड़े, कोई तमाकू चबा रहा है वो सोचता है कि मारे गए पाप कर रहे हैं, क्या खाक पाप कर रहे हैं, तमाकू न चबाओगे बकवास करोगे, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं तमाकू चबाना, पान चबाना, सुपारी चबाना, अमेरिका में च्यूइंग गम, गात को ही चबा रहे, इसके पीछे कुछ राज है, ये इतना चबान जो चलती दुनिया में चरवण, इसके पीछे कुछ कारण, और उसका कारण ये है कि अगर नहीं चबाओगे तो फिर बातचीत करनी पड़ेगी, मुंह चलेगा, मुंह चलनी चाहिए, इससे तो बेहतर भी है तमाकू ही चबाओ, ये किसी की खोपड़ी खाओगे। तो लोग अपने बैठे तमाकू बना रहे हैं, कुछ समय उसमें निकला, कुछ चबाने में निकला, कुछ पिचकारी चलाने में निकला, मैं भोपाल में एक वकील के घर मेहमान था, दीवार पे तख्ती लगी देखी कि फर्श पे थूकना मना, मैंने कहा मामला क्या है, कोई फर्श पे थूकेगा क्या, मेरे उन्होंने कहा आप भी क्या बात कर रहे, ये भोपाल है, यहां तो लोग कहीं भी पिचकारी चला देते, को देखते ही नहीं कि फर्श है कि फर्श बिछा है। मैंने कहा कि तुमने कहानी सुनी है प्रसिद्ध दार्शनिक की, कि वह एक घर में गया जहां लिखा हुआ था फर्श पे थूकना मना, सो उसने निशाना लगा के ऊपर छप्पर पे थूक दी, अभी क्या करूं जब फर्श पे थूकना मना है तो छप्पर पे थूका,
सो छप्पर पे भी गया, दीवानों पे भी गया, फर्श पे भी आया। उसने कहा मेरा कसूर नहीं है इसमें। अब अगर छप्पर से फर्श पे आए तो खुदा मालिक, और जब देता है तो छप्पर फोड़ के देता है, उसमें कोई क्या कर सकता है। आदतें क्या हैं तुम्हारी? तुम पूछते क्या जीवन भर की आदतों को सरलता से छोड़ा जा सकता है? पहले तो पक्का होना चाहिए कि आदत क्या है तुम्हारी। 100 में 99 आदतें तो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, जिनको नाहक साधुओं ने, महात्माओं ने शोरगुल मचा रखा है। कोई चाय पी रहा है, वो बेचारा समझ रहा है बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या खाक पाप कर रहे हैं? अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हो, किसी का कुछ बिगाड़ रहे हो। और बिल्कुल शाकाहारी है चाय, इसमें कुछ हर्जा नहीं जरा भी। थोड़ा सा निकोटिन है इसमें, उसमें भी कोई पाप नहीं। थोड़े शरीर में गर्मी आ जाती, थोड़ा जोश आ जाता है, सो कुछ बुराई नहीं है। थोड़ा जोश रहे तो कुछ अच्छा ही है, थोड़ा कामधाम में तबीयत लगती है। मगर नहीं, महात्मा गांधी के आश्रम में चाय पाप थी। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के राजा जी को भर चाय पीने का हक था, क्योंकि वो समधी थी। अब समधी पे तो नियम लागू हो नहीं सकते, समधी के साथ तो संध्याना निभाना पड़ता है, सो उनके लिए छुट्टी थी, बाकी सबके लिए चाय पाप थी। एक दफे एक युवक पकड़ लिए गए चाय पीते, छिप के बना रहा होगा चाय आश्रम में, वो भद्दी। गांधी जी ने 3 दिन का उपवास कर दिया आत्मशुद्धि के लिए। वो चाय पिए, ये आत्मशुद्धि करे, मगर ये उनकी तरकीब थी लोगों को सताने की, ये हिंसा का ढंग था उनका। इसको मैं हिंसा नहीं मानता, हिंसा मानता हूं। ये भी खूब हुआ सताने का ढंग कि उस आदमी को अब तुमने बुरी तरह और बेइज्जत किया, अब सारा आश्रम उसकी लानत मलामत कर रहा है, अरे दुष्ट, अरे पापी, महापापी, चाय के पीछे तूने बेचारे महात्मा जी को 3 दिन का उपवास करवा दिया। अब वो गिलानी में मरा जा रहा है, वो रो रहा है, महात्मा जी के पैर पकड़ रहा है कि आप कृपा करें, अब कभी नहीं पीऊंगा कभी, अरे इस जन्म में क्या, किसी जन्म में नहीं पीऊंगा चाय, आप मगर उपवास तोड़ दें। मगर वो कि नहीं, मैं तेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं। आप अपनी आत्मशुद्धि के लिए क्यों कर रहे हैं? चाय तो मैंने पी, तो इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं सच्चा गुरु होता तो कैसे मेरा कोई शिष्य चाय पी सकता था। गजब, तो मैं तो अपनी आत्मशुद्धि कर रहा हूं, तेरा इससे कुछ मामला नहीं। ये सताने की तो खूब तरकीब रही, अहिंसा के नाम पर बड़ी गहन हिंसा हो गई। दूसरा मेरे अनुसार चले, इसकी इतनी प्रबल आकांक्षा ही हिंसा है। इसलिए मैं कुछ भेद नहीं देखता। सरहदी गांधी का कल फिर मैंने वक्तव्य देखा, किसी ने पूछा उनसे कि आप क्या कहते हैं, भारत में इतने व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उन्होंने कहा एक एक को पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। गोली से उड़ा दो। और कोई भारतीय गांधीवादी नहीं कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हो। मगर मैं इसमें कुछ विरोध नहीं देखता, महात्मा गांधी में और सीमांत गांधी में कुछ विरोध नहीं है। ये आदमी सीधा साधा है, बस इतना मामला है। इतना तिरछा नहीं है, ये हिंदू नहीं है कि जरा ईर्ष्या तिरछा और तात्विक विश्लेषण में जाए और घूम फिर के काम करे। ये पठान है, पख्तून, उठाओ लट, करो फैसला, साफ सीधा सामना करो, गोली मार दो। वो तो ऊंची बात कह रहा है, गोली मार दो, मगर गोली कौन मारेगा? वो जो गोली मारने वाला है वही तो बलात्कार कर रहा है। उसको जो गोली मारेगा वो बलात्कार करेगा। यूं बलात्कार नहीं मिटाया जा सकता गोली मारने से।
जिसके हाथ में बंदूक होगी वो बलात्कार करेगा, जिसके हाथ में बंदूक रही उसने हमेशा बलात्कार किया। ये कोई नई बात है, कोई आज की बात है। राजाओं की हजारों रानियां हुआ करती थी, ये बलात्कार नहीं था तो क्या था? और अतीत में ही नहीं, अभी आज से 50 साल पहले निजाम हैदराबाद की 500 पत्नियां थी, सिर्फ 50 साल पहले। इसी सदी में, 20वीं सदी में 500 रानियां। लोग मुझसे पूछा करते थे कि हम मान नहीं सकते कि कृष्ण की 16,000 रानियां रही हो। मैं उनसे कहता क्या अड़चन, अगर 20वीं सदी में 500 रानियां हो सकती हैं तो 32 का ही गुणा करना है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। 5,000 साल पहले 16,000 हो सकती थी, जिसकी हाथ में लाठी थी उसकी भैंस, अपनी भैंस नहीं बाकी सबकी भैंसें भी ले आए। अपनी भैंस तो अपनी है ही, कोई सवाल नहीं, मगर औरों की भैंसें भी छीन लाए। गोली कौन मारेगा? गोली मारने से कुछ भी होने वाला नहीं, और यही तुम्हें सिखाया गया है, या तो दूसरे को गोली मारो सुधारने के लिए, और या अपने को गोली मारो सुधारने के लिए। समझ की कोई बात नहीं। आदत, पहले तो यह समझने की फिक्र करो, कौन सी आदत? छोटी मोटी आदतों पर समय ही मत गंवाना। अगर कोई आदमी गोंद चबाता चबाने दो, इसमें क्या पाप है? कोई आदमी सिगरेट पीता पीने तो धुआं ही उड़ाता है, एक तरह का प्राणायाम, थोड़ा नालायक है आदमी और कुछ नहीं, कोई पापी नहीं है। शुद्ध हवा ना लेके धुआं पहले पैदा करता फिर हवा लेता। और सच तो यह, बंबई न्यूयॉर्क और लंदन जैसे नगरों में सिगरेट पीना बिल्कुल बेकार है, हवा में इतना धुआं वैसे ही है। अब कारें और रेल के इंजन और हवाई जहाज और कारखाने इतना धुआं छोड़ रहे हैं कि न्यूयॉर्क में वैज्ञानिक चकित हैं कि इतना धुआं आदमी बचा कैसे ले रहा है। तो थोड़ा बहुत तुमने अपने भीतर व्यक्तिगत धुआं भी पैदा करके भीतर ले गए बाहर लाए, कोई हर्जा नहीं। छोटी मोटी बातों में पड़ो मत, क्योंकि जिंदगी को छोटी छोटी बातों में उलझाने से समय ही व्यर्थ होता है। हां, समझने की जरूर कोशिश करो कि क्या कारण होगा कि तुम इस तरह की आदत के गुलाम हो, और अगर समझ आ जाए उसके मूल कारण की तो एक बड़े रहस्य की बात हाथ लग जाती। जैसे किसी वृक्ष को उखाड़ लो, उसकी जड़ें पकड़ के देख लो ठीक से, वृक्ष मर गया। ऐसी ही किसी आदत की जड़ें अगर तुम देख लो तो उसका निदान पूरा होते होते ही उसका उपचार भी हो जाता है, और तब सरलता से ही छूट जाती। लेकिन लोग उल्टे सीधे काम करके आदतें छोड़ना चाहते तो नई आदतें फंस जाएंगी। एक से निकले, कुआं से निकले, खाई में गिरे। कठिन तो है, तब कठिन है, बहुत कठिन है। एक अध्यापक की हुई शादी, सुहागरात को दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तुम्हारा नाम चंपा है या चमेली, कौन कौन थी तुम्हारी सहेली, सहेलियों की और अपनी सही सही उम्र बताओ, तुम्हारे कितने भाई बहन, कितने छोटे हैं कितने बड़े, कौन कौन घर में बेकार पड़े, कौन कौन अपने अपने पांव पर खड़े, जन्म से विवाह तक देखी हुई फिल्मों के नाम गिनाओ, कौन सी फिल्म किसके साथ देखी, जोड़े बनाओ, अपने मकान का भूगोल हमें समझाओ, संक्षेप में परिवार का इतिहास भी बताओ। सुनकर कि ये ढेर सारे सवाल, दुल्हन का तो हो गया बुरा हाल। तभी उसका बढ़ाते हुए हौसला अध्यापक बोला, घबराओ मत, धीरे धीरे सोच समझ कर किन्हीं 5 प्रश्नों के 2 उत्तर। पुरानी आदत, वो बेचारे और कुछ जाने ही नहीं तो करें भी क्या, अध्यापक थे सो अध्यापक थे।
मैं अपने गणित के अध्यापक को जानता हूं, वो ज्यामिति पढ़ाते थे, उनकी 6 महीने की सजा हो गई, कुछ दंगा फसाद हो गया, मारपीट हो गई, जरा तेज तर्रार आदमी थे, राजपूत थे, लठ मार दिया। छह महीने की सजा हो गई, मुझसे उनका बड़ा लगाव था, आदमी सीधे साफ थे। सुमा उन्हें लेने गया, जब वो निकले जेल से, सुमा दरवाजे पर उनका स्वागत करने गया, मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक ठाक तो रहा, और कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? और सब तो ठीक था, लेकिन जिस कोठरी में मुझे रखा उसमें बड़ी बेचैनी थी। क्या तकलीफ थी? बहुत छोटी थी, अंधेरा था, अंधेरा और छोटी मोटी से मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन उसके कोने 90 के अंश के नहीं थे, इरछे तरछे थे, उससे मेरी जान नहीं। 6 महीने बस एक ही बात मेरे दिन में खटाखट, मेरी खोपड़ी में खटाखट लगे कि किस मूर्ख ने इस कोठरी को बनाया। अरे 90 का कौन तो 90 का होना चाहिए, वो ज्यामिति के अध्यापक थे, तो उनको बात अखरी होगी, मेरी भी समझ में आया कि वो, उनको बहुत कष्ट रहा होगा, उनका बस चलता तो वो ठीक ठाक कर देते कोठरी को तोड़ के, मगर वो वहां कुछ कर भी नहीं सकते थे, हथकड़ियां पड़ी हुई थी, तो और मुश्किल थी, और 6 महीने उसी कोठरी में रहना और दिन रात वही गलत कोने देखना, इर्छे तिरछे, वो उनके बस के बाहर था। मैं जानता था उनको कि अगर उनकी कक्षा में कोई जरा भी ज्यामिति में गड़बड़ करके ले जाए तो उसमें वो गलत सही का निशान नहीं लगाते थे, एकदम पन्नी फाड़ देते थे, राजपूत थे, गलत चीज को वही मिटा के साफ कर देते थे। मैंने कहा मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, गांधेरे मंदिरे की मुझे कोई फिक्र नहीं, अरे अंधेरा कितना ही रहता, मैं गुजार लेता, अंधेरा होता तो अच्छा ही था, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता तो अच्छा था, मगर वो कोने ऐसे छाती में ठक ठक, और 24 घंटे आंख खोलो तब लाख उपाय करो, कहीं भी देखो चारों कोने थे गड़बड़ थी, इधर देखो तो ये कोने गड़बड़, उधर देखो तो वो कोने गड़बड़, और कब तक दीवाली दीवाल देखते रहो, और दीवाल भी देखते रहो तो पता चले क्यों दीवाल देख रहे, वो कोनों से बचने के लिए देख रहे हो। कठिन तो होगा, गाड़ी में यात्रा करते हुए एक महाशय बड़ी देर से अपनी छींक को रोक रहे थे, छींक आने को होती तो अजीब शक्ल बनाकर उसे रोकते, छींक को रोकना कोई आसान बात नहीं, कोई महायोगी ही रोक सकता है। एक सहयात्री आखिर पूछ पूछ ही बैठा, आप ये क्या कर रहे हैं, आखिर आप छींक को रोक क्यों रहे हैं, आ क्यों नहीं जाने देते, कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसा कैसा चेहरा बना रहे हैं कि मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं आगे आप क्या करेंगे। सब तरह की योगासन साध रहे हैं, निकल जाने तो छींकी है, क्या खो जाएगा, इसमें कौन सा व्यभिचार हुआ जा रहा है। उन महाशय का आपको पता नहीं, मेरी बीबी का कहना है कि जब भी छींक आए तो समझ लो कि मैंने याद किया है और तुरंत आपको मेरे पास आ जाना चाहिए। सहयात्री बोला आपकी बीबी है कहां? उन महाशय ने कहा ये मत पूछे, ये याद मत दिलाओ, कब्र में मर गई, मर घबराहट छोड़ गई, छींक तब से मैंने ली नहीं जब से बीबी मरी, क्योंकि वो कहती थी जब भी छींक आए तो समझ लेना कि मैंने याद किया है और जहां भी हो तत्क्षण मेरे पास आ जाना, प्राण निकल जाए मगर मैं छींक नहीं लूंगा, पहले प्राण निकलेंगे फिर छींक निकलेगी। इस तरह अगर मुसीबत के काम करोगे तो निश्चित ही बहुत कठिन हो जाएगा। एक शिकारी ने खूब ऊंचे उड़ते हुए बगले को गोली से मार गिराया, पास ही खड़े चंदूलाल मारवाड़ी यह देख रहे थे, वह देखकर उस शिकारी से बोले तुमने ये गोली यूं ही बेकार कर दी। कैसे? शिकारी का प्रश्न था। चंदूलाल बोले अरे इतनी ऊंचाई से गिरकर तो बगुला अपने आप ही मर गया होता, इसमें गोली क्यों खराब थी।
मारवाड़ी बुद्धि, वो अपना हिसाब बिठा रही कि नहा के गोली खराब हो गई। अरे इतनी ऊंचाई से तो अपने आप ही मर जाता, गिरता भर। इसमें कौन सा तुमने गजब कर दिया? मुल्ला नसरुद्दीन एक बार शिकार को गए थे, पत्नी न मानी क्योंकि पत्नी को भरोसा नहीं था कि शिकार को जा रहे हैं कि किसी और से को जा रहे हैं। उसने मैं साथ आऊंगी, अरे मुल्ला ने बहुत कहा कि शिकार का मामला है, मेरी तो पजामा ढीला हो जाता है, तू वहां क्या करेगी? मगर पत्नी ने कहा कि वो पजामा ढीला होने का तो मुझे डर है कि कहीं और ढीला ना हो जाए। तुमने पजामा की बात उठा के और संदेह पैदा कर दिया। मैं नजर रखूंगी, पजामा ढीला नहीं होने दूंगी, मैं आती हूं। अब नहीं मानी बीवी तो ले जाना पड़ा, बीवी को बिठा दिया एक झोपड़े में और खुद बाहर जाके शिकार करने को निकले। पीछे पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा अरे बड़े मियां कहां जा रहे? एक चीता झोपड़े में घुस गया, तुम्हारी बीवी अकेली, कुछ करो। नसरुद्दीन ने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूं, अब चीता खुद ही अपने हाथ से मुश्किल में पड़ा है, अब बेटा अपने को बचाए खुद ही, अरे हमें कौन बचाने आया? जब 20 साल हम फंसे रहे, कोई माई का लाल नहीं आया, तब चीता जाने और चीता का भाग्य जाने, अब जो होगा सो होगा। वो आदमी तो चौंक के खड़ा रह गया, उसकी कुछ समझ में ना आया कि बात क्या हो रही। उसको नसरुद्दीन के अनुभव का पता नहीं कि वो बीबी ऐसी है नसरुद्दीन की कि चीता के छक्के छोड़ा देगी। आदमी अपने अनुभव से जीता है। तुम अगर 50 साल जी चुके हो तो तुम क्या है, तुम्हारा मन क्या है? 50 साल का संचित अनुभव, तुम्हारी आदतें भी उस अनुभव से निकली। अगर तुम उनको जबरदस्ती बदलना चाहो तो मुश्किल होगा, उनकी जड़ें 50 साल के अनुभव में फैली हुई। आज ऊपर ऊपर अंकुर दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन जड़ें तो बहुत गहरी गई हुई। तुम ऊपर से अंकुर काट दोगे फिर नए अंकुर निकल आएंगे, जड़ें तो मौजूद रहेंगी। इसलिए आत्मों को बदलना कठिन मालूम होता है, क्योंकि तुम केवल पत्ते काटते हो, शाखाएं काटते हो और जड़ों का तुम्हें कुछ पता नहीं। मेरा तुमसे निवेदन है कि पहली तो बात, छोटी छोटी आदतों को काटने में पड़ना मत, क्योंकि उनको काट भी लिया तो कुछ बड़ा सार नहीं। और जीवन में 99% तो ऐसी छोटी मोटी आदतें हैं जिनको व्यर्थ ही तुम बड़ा चढ़ा के देख रहे हो, और तुम्हारे महात्मा गण उन्हीं पर रोज रोज हमला बोलते रहते और नाहक तुम्हें परेशान किए हुए। निर्दोष है तुम्हारी आदतें। अब अगर तुम्हें भोजन स्वादिष्ट अच्छा लगता है तो कोई पाप नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे महात्मा कहेंगे कि ये बात ठीक नहीं, तुम जिव्या के गुलाम, नमक छोड़ दो, बिना नमक के भोजन करो। अब बिना नमक के भोजन करोगे मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि नमक शरीर की जरूरत है, नमक बड़ी अपरिहार्य जरूरत है, वो कोई आदत नहीं है। और जो तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझाते हैं कि आदत है वो गलत समझाते हैं, और जो तुम्हें समझाते हैं कि बिना नमक का भोजन करो ये महात्याग है, वो मूर्खतापूर्ण बात समझा रहे हैं। तुम्हारे शरीर को नमक की जरूरत है, तुम्हारे शरीर में 80% समुद्र के पानी का ही अंश है,
और उसमें उतना ही नमक चाहिए जितना समुद्र के पानी में होता है, तो ही तुम स्वस्थ रह सकते हो। अन्यथा नमक के बिना तुम एकदम शिथिल हो जाओ, नमक के बिना तुम्हारी जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, तुम्हारी तेजस्विता खो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि उस आदमी की जिंदगी में बड़ा नमक है। या जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जागे हुए ही इस पृथ्वी के नमक है। उसका मतलब, इस मुहावरे का मतलब कि उन्हीं के कारण इस जगत में थोड़ी रौनक है, थोड़ा जीवन है, थोड़ी ऊर्जा है, थोड़ी चमक है, दमक है, थोड़े दिए जलते, थोड़ी रोशनी है। लेकिन तुम्हारे महात्मा तुम्हें समझा रहे हैं बेहूदी बातें, नमक छोड़ दो। कोई कहता है घी छोड़ दो, कोई कहता है शक्कर मत खाना, कोई कहता है मिठाई छोड़ दो। ये सब जरूरतें हैं। हां, जरूरत से ज्यादा तुम लेते हो तो नुकसान की बातें हैं। तो जरूरत से ज्यादा तो पानी भी पियोगे तो नुकसान की बात है। इसमें कोई नमक और घी और शक्कर का सवाल नहीं है। होश पूर्वक जियो, छोड़ा छाड़ी में मत पड़ो। जो जरूरत है, अब तुम्हारे महात्मा गण तुम्हें समझाते हैं कि ज्यादा सोने से तामस बढ़ जाएगा, तो कितने घंटे सोने की आज्ञा है उनकी तरफ से, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कम करते जाओ, बस 2 घंटे सो लिए तो बहुत। मगर अगर तुम 2 घंटे सोओगे तो दिन भर आलस में रहोगे, और तब महात्मा की बात बिल्कुल ठीक जचेगी। वो कहेगा कि तुम तामसी हो, नींद कम करो और कम करो, और असली कारण ये कि तुम नींद कम कर रहे हो इसलिए तामस बढ़ रहा है। जवान आदमी को 6 और 8 घंटे के बीच सोना ही चाहिए। हाँ, बूढ़े के लिए अपने आप नींद कम हो जाती, 4 से 5 घंटे हो जाती, और बूढ़ा हो गया तो 3 ही घंटे रह जाती। बच्चे मां के पेट में 24 घंटे सोते, क्या तुम सोचते हो तामसी है इसलिए? 24 घंटे सोते हैं इसलिए बढ़ते हैं। 9 महीने में जो बढ़ाव होता है वो फिर जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। बढ़ने के लिए नींद जरूरी है। फिर पैदा होने के बाद 23 घंटे सोएंगे, 22 घंटे सोएंगे, 20 घंटे सोएंगे, 18 घंटे सोएंगे। धीरे धीरे नींद अपने आप कम होती जाएगी, जितनी जरूरत है उतनी रह जाएगी। न कम सो न ज्यादा सो, तब तुम्हारे जीवन में संतुलन होगा। और कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि कितना सो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत अलग होगी। जो आदमी मजदूरी कर रहा है उसको ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी, और जो आदमी टेबल कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा है उसको कम नींद की जरूरत पड़ेगी। बुद्धिजीवियों को कम नींद की जरूरत पड़ेगी, श्रमजीवियों को ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रत्येक के शरीर पर निर्भर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन तुम्हारा शरीर पचाएगा उतनी ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी। जितना तुम्हारे लिए कम भोजन शरीर पचा सकता है उतनी कम नींद की जरूरत पड़ेगी। भोजन के अनुसार नींद में फर्क पड़ता जाएगा। श्रम, भोजन तुम्हारे जीवन का कार्य। अब तुम्हारे महात्मा गण अगर कम सोते हो तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं, काम ही कुछ नहीं करेंगे तो नींद कम अपने आप हो जाएगी, इसमें कुछ महात्मापन नहीं। अपने जीवन के निर्णायक तुम खुद हो, दूसरों की सलाहों पर मत चलना। इसलिए मुझे पता नहीं कि तुम किन आदतों की बातें कर रहे हो, इतना तुमसे कह सकता हूं कि 99% आदतें तो तुम्हारी निर्दोष है, उनके लिए नाहक परेशानी मत पड़ना। हां, 1% आदत ऐसी हो सकती है जो कि छोड़ने जैसी हो, जैसे कोई मांसाहार करता हो, ये घातक है। किसी के जीवन का अंत करना सिर्फ भोजन के लिए, जबकि सुस्वादु भोजन उपलब्ध है, स्वादिष्ट फल उपलब्ध है, सब्जियां उपलब्ध है, मेवे उपलब्ध है, तब क्यों किसी का जीवन नष्ट करना है?
और जीवन जैसा तुम्हें प्यारा है किसी और को भी प्यारा है। तो ऐसी कोई आदत हो तो जरूर छोड़नी चाहिए, मगर वो भी छोड़नी चाहिए समझ से, जबरदस्ती नहीं, चेष्टा से नहीं, बोध से। इसलिए मेरा जोर उसको भी छोड़ने पर कम है, समझने पर ज्यादा है। ये मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति ध्यान में शांति को उपलब्ध होने लगता है उसका मांसाहार अपने आप छूटने लगता है। यहां तो मेरे सन्यासियों में अधिक मांसाहारी परिवारों से आए हुए लोग, सारी दुनिया से आए, सारी दुनिया मांसाहारी, लेकिन यहां आके अचानक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, और मैं कहता नहीं उनसे, कोई जबरदस्ती नहीं कि उनको छोड़ना ही है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई उतरनी शुरू होती उनको खुद ही ये बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती अपने आप। मांसाहार असंभव हो जाता है, समझ क्रांति लाती, बोध ही एकमात्र सच्ची क्रांति है। बोध के कारण तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है और आत्म अपने आप टूट जाती। ऊपर से मत थोपना, आदत आचरण नहीं है, आचरण मत बनाना तुम धर्म को, धर्म को ध्यान से जोड़ना और फिर उसके कारण तुम्हारे जीवन में जो रूपांतरण हो जाएं वे सुखद हैं। तुम्हारी दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाती है। एक आदमी बीमा एजेंट से बोला, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के नाम से 20,000 रुपए की पॉलिसी लेता हूं और कल वह मर जाती तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? बीमा एजेंट ने कहा, कह नहीं सकते साहब, ये जज पर निर्भर करता है कि वो फांसी दे या उम्र कैद। आज ही पॉलिसी करवा रहे हैं 20,000 रुपए की और विचार कर रहे हैं कि कल अगर मर जाए तो क्या मिलेगा। जीवन बीमा करवा रहे हैं और कल ही मरने का हिसाब लगा रहे हैं। लोगों के भीतर हिंसा पड़ी हुई है। फिर तुम मांसाहार ना भी करो तो भी क्या होता है? तुम बिना मांसाहार किए भी लोगों का खून पी जाओगे। आखिर जैन इस देश में है, शाकाहारी है, मगर जितना धन शोषण करने में वे कुशल हैं कोई भी नहीं। पानी छान छान के पीते, खून बिना छाने पी जाते, रात भोजन नहीं करते, शुद्ध भोजन करते, लेकिन आदमी की गर्दन उनके हाथ में आ जाए तो बस खात्मा है, फिर वो बच नहीं सकेगा। एक दफा उनके चक्कर में पड़ गया कोई तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज उस पर बैठते ही जाएगा, फिर वो चक्कर खत्म होने वाला नहीं, वो आदमी भला खत्म हो जाए, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक भुगतेंगी। और बड़े प्रेम से ये सारा व्यवहार चलेगा और अहिंसा परमो धर्मा की तख्ती दुकान पर लगी रहेगी और ब्याज का धंधा होगा। तुम ऊपर से कुछ छोड़ दो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। महावीर ने कहा हिंसा छोड़ दो, तो छोड़ दी लोगों ने हिंसा, इतनी छोड़ दी कि जैनों को कोई उपाय ही न रहा, छत्री हो नहीं सकते क्योंकि उसमें तलवार उठानी पड़ती, और शूद्र तो कोई होने नहीं चाहता क्योंकि कौन पाखाना ढोएगा, किसान भी नहीं हो सकते थे वे,
क्योंकि उसमें हिंसा होती है, वृक्ष काटने पड़ेंगे, वृक्षों में जीवन है। महावीर ने कहा पौधे उखाड़ोगे, वृक्ष काटोगे, इतने जीवन की हत्या होगी, नरक जाओगे। तो फिर जैनों के लिए सिवाय व्यवसाय के कुछ भी न बचा। जैन अनिवार्य रूपेण वणिक हो गए, बनिया हो गए, हो ही जाना पड़ा उनको। मगर उनकी सारी हिंसा उनकी बनियागिरी में उतर आई, इसलिए उनके शोषण का पंजा सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। इस देश में उनकी संख्या कम है, लेकिन धन की तादाद उन पर काफी। इसलिए मैं तुमसे ऊपर से बदलने को नहीं कहता, मैं कहता हूं किसी आदत को अगर तुम देखो कि उसमें गलती है, पाप है, तो उसकी जड़ में जाना, समझने की कोशिश करना और ध्यान में उतरो। देव ने कहा प्रिय देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया चीज लाया हूं। पत्नी बस बस बढ़िया घटिया के चक्कर में ही सारी उम्र बहकाते रहोगे या कभी सोने की चीज भी लाओगे? पत्नी ने तुनक कर जवाब दिया, सोने पे नजर लगी, क्या बढ़िया घटिया लगा रखा है। सोना महत्वपूर्ण, सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? ताकत लाता है, बल देता है, लगता है मैं भी कुछ हूं। तलवार का काम कर देता है बिना तलवार के, ताकत का काम कर देता है बिना ताकत के। मुल्ला नसरुद्दीन उसका बेटे दोनों ने एक नाले पर छलांग लगाई, मुल्ला तो पार कर गया बूढ़ा, और बेटा बीच नाले में गिर गया। बेटे ने कहा कि पापा हद हो गई, आप बूढ़े हैं, छलांग लगा गए। मैं तो ये सोच कि जब आप निकल गए पार तो मैं छलांग लगा के निकल जाऊं, मैं बीच में गिर गया। नसरुद्दीन हंसने लगा, उसने कहा बेटा इसका राज। उसने अपना खींचा बजा के बताया खनाखन खनाखन। लड़के ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा अरे रुपए खींचे में होने चाहिए, नाला क्या समुद्र आदमी पार कर जाए। मैं जब घर से निकलता हूं तो नगद कलदार खींचे में रखता हूं, इससे गर्मी रहती, इसमें प्राण बल रहता है। यह आदमी की असली आत्मा है और कोई आत्मा वगैरह नहीं। अब तू बिना आत्मा के कूद रहा, बड़ाम से गिर गया बीच में, देखा? अगली दफा रुपए खींचे में रख के कूदना, फिर देखना। रुपए का एक बल है, दिखाई नहीं पड़ता कहीं भी, लेकिन रुपए की बड़ी हिंसा है। रुपया यूं मार देता बिना मारे। तो तुम एक तरफ से बचोगे तो कहीं दूसरी तरफ से तुम्हारे सब रोग प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बचने की जल्दी मत करो, समझने की फिक्र लो, और समझ आती है केवल ध्यान से, और किसी तरह से नहीं आती। निर्विचार जब तुम होना सीख जाओगे, उस निर्विचार अवस्था में तुम्हारा चित्त का दर्पण ऐसा साफ होता है, धूल रहित, कि उसमें सब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। फिर उसी दृष्टि के अनुसार जीवन को चलाने में कोई कठिनाई नहीं। तुम पूछते हो कि क्या जीवन भर की आदतों को सरलता से छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल सरलता से छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ने की कोशिश से नहीं। एक परोक्ष प्रक्रिया है, ध्यान के माध्यम से, बोध के माध्यम से सारी आदतें छूट जाती। और मजा यह है कि जब ध्यान से आदतें छूटती हैं तो यह भी अकड़नी होती भीतर कि देखो मैंने आदतें छोड़ दी, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। ये अकड़ भी पैदा नहीं होती, ये त्यागी की तपस्वी की अकड़ भी पैदा नहीं होती, ये अहंकार भी पैदा नहीं होता। जीवन क्रांति से भर जाता है, लेकिन क्रांति का दंभ जरा भी नहीं, कहीं छाया नहीं पड़ती। असली क्रांति वही है, नहीं तो अहंकार सारी क्रांति को मटिया मैट कर देता है। आज इतना।